इसमें भी नेक्स्ट टाइम आएंगे दोस्तों, समय की कमी है और हमारा धनकर विलेज हमने कवर किया है मोबाइल से और रास्ते में कर रहा हूँ कैमरा से, गोप्रो से। ये है एग्जिट एंड एंट्री गेट। तो हम फिर मिलेंगे धनकर विलेज, धनकर गांपा। कुछ मंक्स जा रहे हैं, घूम रहे हैं। ये टियागो टाटा, इसका बहुत बुरा हाल हुआ है भाई, इसका कुछ ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ है भाई। पहाड़ों पे आए तो प्लीज़ सेफ चलाएं, अगर आपको नहीं आती है चलानी तो ऐसी जगह पे आप ड्राइवर कर लें। काजा के रास्ते में है लिंगटी विलेज। वेलकम टू ग्राम पंचायत पूरी बाबा मालूम, देखा ही नहीं और पैर गड्ढे में चला गया एकदम। और गाइस लिंगटी विलेज के बारे में एक खासियत ये है कि इसमें सिर्फ 48 लोग रहते हैं, 11 घर हैं, 23 मेल और 25 फीमेल। मैम ये काजा के लिए, काजा के लिए यही रास्ता जा रहा है, ऊपर से तो नहीं है? अरे नहीं, स्मार्ट दिख रहा है, स्मार्ट दिख रहा है, झूठ बोल रहे हो, उसकी नाक निकली हुई है देख, अरे नाक साफ कर रहे। और गाइस एक्चुअली बहुत देख के चलाना पड़ता है क्योंकि पत्थर बीच में पड़े रहते हैं और ये टायर को फाड़ सकते हैं। काफ़ी राइडर मिले मेरे को अभी रास्ते में, टिकट के बंदे थे और वो यहाँ पे आके उनका वो मतलब तेज, एक तो तेज़ ड्राइव कर रहे थे और बीच में पत्थरों के ऊपर से अगर आप तेज़ निकालोगे ना तो बीच में ऐसे ऐसे पत्थर है ना, देखो यही वाला, ये पीछे गया, ये वाले जो हैं वो चमकीले चमकीले से, ये छोटे छोटे जो मैंने उठा के दिखाए थे पिछले वीडियो में देखना, ये काट देते हैं टायर, पूरा काट देते हैं। अच्छा लंबा उसका वो तारा, इतना लंबा कट मारा हुआ है उसमें, मतलब टायर ही फाड़ दिया। अब वो बीच में टाबों में उन्होंने, बाकी लोग रुके हैं और वो एक बंदा जो है वो काजा गया पहले, क्योंकि काजा में ही रॉयल एनफील्ड का ये है सर्विस सेंटर है। ऐसा क्या हुआ है मतलब इनमें जो ये कोरी मिट्टी है और सीमेंट वीमेंट कुछ नहीं है इनमें और फिर भी ऐसे खड़े हैं, जैसे हैं वैसे ही खड़े हैं। 16 किलोमीटर यहाँ से लेफ्ट मुद जा रहा है, 34 किलोमीटर एंड रेस्ट हाउस संगम सगनम 20 किलोमीटर, बट हमें जाना है जहाँ पे थार जा रही है। ये मिट्टी देख रहे हो, ये कितना बढ़िया, मेरे को तो अलग ही लग रहा है ये वाला पहाड़ ना। रोड भी खराब है काजा तक ना, जाने कैसे। मैं कोई भी बैकअप लेके नहीं आया हूँ, बस केयरफुली ड्राइव कर रहा हूँ, बैकअप इन द केस इफ समथिंग हैपेंस लाइक टायर पंचर, टायर बस्ट आउट और ब्रेक पैड खराब होना, ब्रेक पैड ब्रेक वायर डैमेज अगर हो जाती है या फिर क्लच वायर होती हैं, ये सारी चीज़ें राइडर्स लेके चलते हैं, लेकिन हम बजट वाले लोग हैं भाई, हम ध्यान से चल सकते हैं। बस इतना भी खर्चा किया और उसको भी धीरे धीरे हम ऐड करेंगे, लेकिन एक साथ नहीं कर सकते। धूप बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, पता नहीं कहाँ धूप, मैं सोचा कहीं धूप मिलेगी तो मैं रुक के, और मैंने ना वो होटल से चलते हुए, आज मौसम साफ़ था दिन में गर्म था तो मैंने सिर्फ़ एक ये हुडी पहनी हुई है, हुडी के अंदर कुछ नहीं डाला, ना टी शर्ट डाली ना ही मैंने वार्मर डाला, और अब लग रही है ठंड क्योंकि पहाड़ में जहाँ पे धूप हट जाती है, छाँव आ जाती है, वहाँ वैसी ठंड हो जाती है, और यहाँ पे तो अगर मैं वही सोच रहा था धूप मिल जाए कहीं पे, मैं रुक के वार्मर निकालता पहनता और फिर आगे चलता।
पर धूप जो है ना दूर ही दूर दिख रही है मेरे को, लग नहीं रहा कि हमारे तक धूप पहुंच रही है। देखते हैं आगे भाई, हम काजा रह गए हैं यहाँ से 12 किलोमीटर्स, और अपन सेटलिंग कर रहे हैं यहाँ पे क्योंकि लंबे लंबे रोड ला गए, बीच में रोड काफ़ी ख़राब था, अभी रोड सही आ गया तो हम ऊपर खड़े हो जाते हैं। बाइक पे बड़ा मज़ा आता है यार सेटलिंग करने में रॉयल एनफील्ड की, मतलब खास कर ये हिमालयन, बाकी बाइक्स में सेटलिंग नहीं हो पाती है उतने अच्छे से, लेकिन हिमालयन इज मेड फॉर इट। काजा 12 किलोमीटर्स, जल है जल वो है सोना, इसे कभी ना खोना। ओ वाओ गाइस, स्कूटी आई हुई है यहाँ पे टी पॉइंट, यहाँ पे चाय पी के चलेंगे यार। लदांग चाय मिलेगी भैया, बनाओ चाय बनाओ मस्त एकदम जबरदस्त, कम चीनी कम चीनी। काजा हम पहुंचने वाले हैं, बस 12 किलोमीटर आराम से पहुंचेंगे कहीं पे। आज तो मूड है यार मेरा कैंप करने का, कहीं चिकन मिल गया तो चिकन ले लूँगा, नहीं तो पनीर ले लूँगा। लदांग से डामुल सड़क, भाई का टी पॉइंट पड़ा है जहाँ पे हम रुके हैं, यहाँ से 12 किलोमीटर है बस। देख लो भाई पीछे स्पीति रिवर, और वो नज़ारा देखो, और क्या गजब का नज़ारा आ रहा है वो। चाय पीते हैं चलते हैं। यहाँ पे आसपास में ये लिंगित गांव है, ये लिदांग, 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 लिदांग ये वाला, आप लोग उधर ही होते हैं। कितने लोग रहेंगे इसमें? यहाँ है 25-26 घर है, बोले तो 100 लोग रहेंगे, 150-200 के बीच में। आप कहाँ से? दिल्ली, दिल्ली से राजनीतिक शहर। सो गाइस मैं यहाँ से उधर निकल रहा था अभी, और बीए भी पड़ता है बीच में टी पॉइंट, और ये विलेज है यहाँ पे, इस विलेज का नाम है लदांग। ये लदांग है, यहाँ पे करीब 25 घर है और 100-150 की आबादी है, और यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त चाय बनाई अंकल ने। अंकल बहुत अच्छी चाय थी आपकी। तो आप कभी भी यहाँ पे काजा जा रहे हैं, काजा से जस्ट 12 किलोमीटर पहले ये यहाँ पे लदांग है, और लदांग में टी पॉइंट का ही अंकल यहाँ पे मिलेंगे, और बहुत ही अच्छे लोग हैं। वो उधर गांव है, वो उधर उसका देखो चोटी कितना ज़बरदस्त लग रही है। तो गाइस जब भी आप काजा जा रहे हैं चाय पी के ज़रूर जाना अंकल के पास। पर ये कितने सही बनाए हुए हैं, गोल गोल मिट्टी के बिल्कुल ना, वाओ जैसे इग्लू होते हैं ना ऐसे बनाए हुए हैं, प्रॉपर मिट्टी के कच्चे घर। ये कुछ प्रॉपर्टी बना रहे होंगे अभी यहाँ पे। काजा यहाँ से 10 किलोमीटर रह गया है, और स्पीति रिवर के साथ में ही बन रही है ये, देखो कितना प्यारा लग रहा है यार, बहुत ही प्यारा लग रहा है, एकदम यूनिक हटके कॉन्सेप्ट है। और यार कैंपिंग तो मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ ऐसे, पर 10 किलोमीटर काजा, बट काजा में ही करेंगे, चलते हैं काजा। हे ईश्वर तेरी माया, रुक जा थोड़ा अभी मैं आया। और गाइस ये भी एक नज़ारा देख लो एक बार, स्पीति से पहुंचने से पहले ये नज़ारा देखो, अरे वाह 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 वाह, ये देखो कटाई कटाई सी हो रखी है, ऐसा लगता है इनके बीच में से पानी निकला हो, जैसे बारिश पड़ती है ना तो पारी, हाँ बारिश पड़ती है तो ये सारा ढीली मिट्टी निकल जाती होगी, और जो ट्राई टाइट मिट्टी है वो रह जाती है। चलो चलते ही हैं, पीछे से ट्रैक्टर आ रहा था, मैं कि रास्ता दे दूं। और पीछे भाई मौसम बड़ा गजब लग रहा है, और नज़ारा बड़ा गजब लग रहा है पीछे का, एक बार देखूं मुड़ के। ओए होए ये देखो वो नज़ारा, ओ माय गॉड, बहुत ही खतरनाक नज़ारा था पीछे, जो बर्फ का नज़ारा है, अरे क्या बात हो गई। उनको लगा कि मैं उन्हें तो नहीं बोल रहा। देखो ये आई नहीं रही गाड़ी, तो अब दिखाता हूँ
ये देखो वो नज़ारा, क्या गजब नज़ारे आ रहे हैं भाई, ज़बरदस्त नज़ारा है, एक नंबर नज़ारा। ऊपर बर्फ़ पड़ी है पीक पे, वो परसों पड़ी थी, और अब उस बर्फ़ पे पूरा फोकस लग रहा है सन का। इवनिंग का टाइम है 6:30 बजे के आसपास, और बहुत गजब नज़ारा है। पीछे मड हाउसेज रिट्रीट और कैंप्स लगे हुए हैं, और ये नज़ारे शाम के स्पीति वैली के। चलते हैं जी झूले जी। पहुँच गया हूँ मैं, जो कि काजा के में ही आता है। काजा एक मेन टाउन है यहाँ पे, और उसका अब गांव लगने लग गए हैं। ये शीगो गांव है काजा के अंडर, और यहाँ पे ये मड हाउसेस बन रहे हैं प्रॉपर। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट प्रिपेयर कर रहे हैं यहाँ के लोग, कि कितना गजब, एकदम यूनिक कॉन्सेप्ट्स हैं। कुछ घर यहाँ पे हैं ऊपर, और ये था शीगो काजा। मेरा ड्रीम, मेरा टारगेट काजा इन स्पीति वैली पूरा हो चुका है। हाय मेरे भाई, सो नाइस ऑफ यू मेरी जान, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग टू यू एंड टू योर फ्यूचर। भाइयों मैं काजा पहुंच गया हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत ही खुशी हो रही है। अभी पीछे बोर्ड आया था वेलकम टू ग्राम पंचायत काजा। तो गाइस सच में बता रहा हूँ, इतना अच्छा लग रहा है मेरे को कि मैंने जो सोचा था, एक टारगेट था मेरा कि मैं काजा जाऊँगा, और जो राइडर्स होते हैं ना उनके लिए ये काजा आना या स्पीति आना फर्स्ट टाइम बहुत इमोशनल सीन होता है यहाँ पे आने के बाद में। सो वो सामने दिख रहा है, आई थिंक वही होगा काजा। अब यकीन नहीं हो रहा है मैं काजा पहुंच गया हूँ, मतलब बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है। आई थिंक ये काजा नहीं होगा, वो होगा काजा, वो बड़ा शहर दिख रहा है, क्योंकि काजा है बड़ा शहर, और ये है छोटा वाला, लेफ्ट में है छोटा, और काजा है वो। तो ये काजा के ही अंडर आता होगा ये वाला। और रिवर का बैंक देख रहे हो, रिवर बेड देख रहे हो, कितना ज़बरदस्त, कितना ह्यूज है। स्पीति वैली में ये स्पीति रिवर जो है, जब ये पूरी भर के चलती होगी तो क्या गजब नज़ारे होते होंगे। भाई ये तो सही बनाया बंदे ने, काजा के बिल्कुल एंट्री पे ग्रीस कैफे द बाइकर्स डेन प्रॉपर। इन्होंने रॉयल एनफील्ड का ये वो तो नहीं है, पूछता हूँ इनसे, रॉयल एनफील्ड का कहीं ये सर्विस स्टेशन तो नहीं है, उधर पूछ के आता हूँ भाइयों से। लग तो मुझे वैसा ही रहा है, क्योंकि वीडियो में तो हल्का फुल्का मैंने देखा है। ब्रदर ये रॉयल एनफील्ड का वही यही है सर्विस स्टेशन, ग्रेट। और इसमें रुकने का भी है क्या? तो कितना चार्ज कर रहे हैं? नहीं वो ऊपर चले गए, ऊपर गए हैं अभी। अच्छा ये खाली वो बॉटल से बनाया हुआ है, बॉटल्स रिसाइकल करके उसमें भर दिया है, और ऐसा लग रहा है कुछ पेंटिंग किया है। वुडपैक एडवेंचर्स ग्रीस मोटो क्लब, चेक मारते हैं भैया। हाय उससे 600। अच्छा या जो रॉयल एनफील्ड का सर्विस वो यही है, तो यहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है कुछ? कॉन्टैक्ट नंबर होगा वेबसाइट पे, वेबसाइट पे है, आप दे सकते हैं? क्योंकि पीछे ना काफ़ी इश्यूज हो रहे थे लोगों को, तो एक बंदा वो टायर भी फट गया था, वो करवा के गया होगा अभी, चंडीगढ़ से आया था। बता दीजिए 8985 1014141 दिस इज योर नंबर और ऑफिशियल नंबर? ये क्या बोलते हैं, मेरे एक पार्टनर है उसका नंबर होगा, ओके हाँ जी 7876 1031 3173 एंड योर नेम इज सीमांत सीमांत
ओके पेड़ पौधे नहीं है यहाँ पे देखना नीचे ग्रीनरी कितना, मतलब पेड़ पौधे तो नहीं है लेकिन ये घास घास जैसा ग्रास लैंड है, तो ये ग्रीन देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा है यहाँ पे। और ये पहुँच गए हम इस टाइम काजा में, ये जोस्टल तो भाई वर्ल्ड वाइड हो गया है, लोग हर जगह जोस्टल है। तो जोस्टल है मेरे वो लेफ्ट में जहाँ पे दो कैंप लगे हुए हैं, और भाई मेरा मन तो है अपना कैंप मारने का, अब मैं वो कहाँ मारूँ वो मैं एक बार बात करता हूँ जॉन्टी से उतर के। बाकी उससे पहले मैं एक बार राउंड मारना चाहता हूँ, थोड़ी देर में कादर खान बनने वाला है, मतलब बंदा होने वाला है, तो मैं अभी पेट्रोल पंप पे जा रहा हूँ, मुझे वो थोड़ा फ्रेश होना है और उसके बाद में मैं कैंप देखूँगा कहीं पे, क्योंकि मुझे फ़्रेश होना है सबसे पहले, तो प्रायोरिटी ये है। अब वो पेट्रोल पम्प है कहाँ पर वो तो मैंने पूछा ही नहीं किसी से, पूछना तो पड़ेगा भाई, बहुत जनता आती है यहाँ। और गाइस ये सॉक्स मैंने लिए टाबो से, बताना कैसे हैं, बढ़िया लग रहे हैं भाई? अगर बढ़िया लग रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताना।